हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैं के 11वें यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो है क्या, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट मे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल किया जाता है? शायद कर्ता कोई काम कर रहा है या शायद कर्ता कोई काम कर रहा होगा। कर्ता कोई काम कर रहा होगा, हम होगा जरूर बोलेंगे लेकिन वो प्रेजेंट टेंस ही होगा, तभी वो मे बी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, कर्ता कोई काम कर रहा है, जैसे राम बाजार जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़े हैं, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जिसमें कोई काम हो रहा है, जैसे वह बाजार जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, मैं उसको समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, वो फेमस हो रहा है, इस तरह, है ना। लेकिन उसमें शायद लग जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता, फिर वो मे बी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट, लेकिन शायद राम बाजार जा रहा है तो राम मे बी गोइंग टू मार्केट, तो वो एजमआर नहीं होता, फिर उसकी जगह मे बी लग जाता है। यहां पर स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हुए, शायद राम बाजार जा रहा है, राम मे बी गोइंग टू मार्केट, शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है, ट्रेन मे बी अराइविंग एट द स्टेशन, शायद मोहन ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा है, मोहन मे बी वेटिंग फॉर ट्रेन, शायद तुम्हारे पापा मार्केट जा रहे हैं, योर फादर मे बी गोइंग टू मार्केट, शायद वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ही मे बी वेटिंग फॉर यू, शायद टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर मे बी टीचिंग स्टूडेंट्स, शायद स्टूडेंट्स ईमानदारी से सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स मे बी लर्निंग विथ ऑनेस्टी, शायद वे जॉब ढूंढ रहे हैं, दे मे बी फाइंडिंग जॉब, शायद वे सुबह जल्दी उठ रहे हैं, दे मे बी वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शायद वे नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, दे मे बी ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन मे बी रिपेयरिंग अ फैन। ठीक है, तो शायद कर्ता कोई काम कर रहा है तो भी हम मे बी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शायद कर्ता कोई काम कर रहा होगा, ये होगा फ्यूचर के लिए नहीं है, रहा होगा ये भी प्रेजेंट सिचुएशन, शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही होगी, अभी जल्दी चलो भाई, शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही होगी, मतलब प्रेजेंट में, शायद वो बाजार जा रहा होगा, उसे टोको मत, शायद वो बाजार जा रहा होगा, अभी हमको कोई व्यक्ति जाते हुए दिख रहा है, हमारा परिचित है, हम लोगों ने बोला शायद वो बाजार जा रहा होगा, उसको टोको मत, है ना। अरे यार, राम को डिस्टर्ब मत करो, शायद वो अभी सो रहा होगा, सो रहा होगा इन द सेंस फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये प्रेजेंट की ही बात है, जब हम प्रेजेंट में ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम लोग मे बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शायद राम सो रहा हो, उसको डिस्टर्ब मत करो, है ना, डोंट डिस्टर्ब टू राम, बिकॉज ही मे बी स्लीपिंग नाउ, वो शायद अभी सो रहा होगा, शायद राम बाजार जा रहा होगा, राम मे बी गोइंग टू मार्केट, शायद वो सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहा होगा, ही मे बी ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, शायद वो जॉब ढूंढ रहा होगा, ही मे बी फाइंडिंग जॉब, शायद वो तुम्हें मिस कर रहा होगा, ही मे बी मिसिंग यू, शायद वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, ही मे बी वेटिंग फॉर यू, शायद मोहन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, मोहन मे बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। तो गाइस, मेरे बताने का मकसद क्या था कि कर्ता कोई काम कर रहा है या कर रहा होगा और उसमें शायद लगा हुआ हो तो मे बी में ही बनाते हैं, और ये रहा होगा फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस को ही शो करता है। ठीक है, अगर एक के पांच स्ट्रक्चर्स बनाने एक ही सेंटेंस के, जैसे देखो, शायद वह यहां आ रहा है, सो ही मे बी कमिंग हियर, शायद वह यहां नहीं आ रहा है, ही मे नॉट बी कमिंग हियर, क्या वह यहां आ रहा है, मे ही बी कमिंग हियर, वह यहां क्यों आ रहा है, व्हाई मे ही बी कमिंग हियर, कौन यहां आ रहा है, हू मे बी कमिंग हियर, शायद टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर मे बी टीचिंग स्टूडेंट, शायद टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, टीचर मे नॉट बी टीचिंग स्टूडेंट, क्या टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, मे टीचर बी टीचिंग स्टूडेंट, टीचर बच्चों को क्यों पढ़ा रहा है, व्हाई मे टीचर बी टीचिंग स्टूडेंट, कौन बच्चों को पढ़ा रहा है, सो हू मे बी टीचिंग स्टूडेंट, शायद सर क्लास ले रहे हैं, सर मे बी टेकिंग क्लास, शायद सर क्लास नहीं ले रहे हैं, सर मे नॉट बी टेकिंग क्लास, क्या सर क्लास ले रहे हैं, मे सर बी टेकिंग क्लास, सर क्लास क्यों ले रहे हैं, व्हाई मे सर बी टेकिंग क्लास, कौन क्लास ले रहा है, सो हू मे बी टेकिंग क्लास, शायद स्टूडेंट्स सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मे बी ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, शायद स्टूडेंट्स सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मे नॉट बी ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, क्या स्टूडेंट्स सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं, मे स्टूडेंट्स बी ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, स्टूडेंट सेंटेंस ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं, व्हाई मे स्टूडेंट्स बी ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, कौन सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं, हू मे बी ट्रांसलेटिंग सेंटेंस, शायद वह तुम्हें घूर रहा है, ही मे बी स्टेयरिंग एट यू, स्टेयर स्टेयर एस टी ए आर ई स्टेयर एट यू, है ना, स्टेयरिंग एट यू, सो ही मे बी स्टेयरिंग एट यू, शायद वह तुम्हें नहीं घूर रहा है, ही मे नॉट बी स्टेयरिंग एट यू, क्या वह तुम्हें घूर रहा है, मे ही बी स्टेयरिंग एट यू, वह तुम्हें क्यों घूर रहा है, व्हाई मे ही बी स्टेयरिंग एट यू, कौन तुम्हें घूर रहा है, हू मे बी स्टेयरिंग एट यू।
शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही है. सो ट्रेन मे बी अराइविंग एट द स्टेशन. शायद ट्रेन स्टेशन पे नहीं पहुंच रही है. ट्रेन मे नॉट बी अराइविंग एट द स्टेशन. क्या ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही है? मे ट्रेन बी अराइविंग एट द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन पे क्यों पहुंच रही है? मैं ऐसा बोलूं कब पहुंच रही है? सो व्हेन मे ट्रेन बी अराइविंग एट द स्टेशन. हु वाला बन नहीं सकता क्योंकि ट्रेन एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है. देखो शायद बारिश हो रही है. हो रही है या हो रही होगी बातें की. शायद बारिश हो रही है. इट मे बी रेनिंग. शायद बारिश नहीं हो रही है. इट मे नॉट बी रेनिंग. क्या बारिश हो रही है? सो इट मे बी रेनिंग. बारिश क्यों हो रही है? Why may it be raining? शायद बिजली कड़कड़ा रही है. इट मे बी थंडरिंग. शायद बिजली नहीं कड़कड़ा रही है. इट मे नॉट बी थंडरिंग. क्या बिजली कड़कड़ा रही है? मे इट बी थंडरिंग. बिजली क्यों कड़कड़ा रही है? वाई मे इट बी थंडरिंग. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं. आइए थोड़े से रिटन सेंटेंस भी देखते हैं ट्रांसलेट कर करके ना. शायद वह खाना पका रही है. सो शी मे बी कुकिंग फूड. She may be cooking food. शायद वो खाना पका रही है. शायद राम टीवी देख रहा है. So Ram may be watching. Ram may be watching TV. ठीक है. शायद वो मेरा इंतजार कर रहा है. So he may be waiting मेरा for me. अब ये वेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ये प्रपोजिशन लगता ही है. वेटिंग फॉर मी. शायद वो क्रिकेट खेल रही है. तो शी कोई लड़की भी है. तो शी मे बी प्लेइंग क्रिकेट. है ना. शी मे बी प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. आगे देखिए. शायद राधा डांस कर रही है. सो राधा मे बी डांसिंग. शायद राधा डांस कर रही है. राधा में भी डांसिंग. दोस्तों जैसे ये रही है वाला है ना, वैसे रहे होंगे वाले सेंटेंस भी आ सकते हैं. यहां पर देखिए मैंने बहुत सारे रहे होंगे रहा होगा वाले सेंटेंस भी लिखे हैं. तो आप उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. शायद सरकार लोगों को लूट रही है. सो गवर्नमेंट मे बी लूट रही है. लूटने के लिए वर्ब लूटी आता है. लूटिंग पीपल. सो गवर्नमेंट मे बी लूटिंग पीपल. शायद वे काम कर रहे होंगे. है ना. सो दे अब कर रहे होंगे फ्यूचर नहीं है, मतलब मे बी नहीं आएगा. दे मे बी वर्किंग. शायद वे काम कर रहे होंगे. दे मे बी वर्किंग. शायद रोहन सो रहा होगा. है ना. रोहन. सो रोहन मे बी स्लिपिंग. मोहन मे बी स्लिपिंग. शायद वे अखबार पढ़ रहे होंगे. सो दे मे बी रीडिंग न्यूज पेपर. ठीक. शायद वह बाजार जा रहा होगा. ही मे बी गोइंग टू मार्केट. ही मे बी गोइंग टू मार्केट. आप ऐसे ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों जो आपको लगे. शायद वह बाजार जा रहा है. शायद वह खाना खा रहा है. शायद वह मुझसे बात कर रहा है. या फिर होगा वाले सेंस में. शायद वह सो रहा होगा. शायद वह पढ़ रहा होगा. ऐसे है ना. आइए एक ही सेंटेंस को अगर हम लोगों को पांचों में बनाकर देखना है थोड़ा सा उसको भी देखते हैं. जैसे शायद वह पढ़ाई कर रहा होगा. सो ही मे बी स्टडिंग. शायद वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा. ही मे नॉट बी स्टडिंग. क्या वह पढ़ाई कर रहा होगा? मे ही बी स्टडिंग. वह पढ़ाई क्यों कर रहा होगा? वाई मे ही बी स्टडिंग. और कौन पढ़ाई कर रहा होगा? सो हु मे बी स्टडिंग. कौन पढ़ाई कर रहा होगा? सो हु मे बी स्टडिंग. सो गाइस यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की मे के 11वें यूज को. ठीक है. जो मे बी के फॉर्म में है. मे बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से यह कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा. किसी भी तरह का प्रॉब्लम है कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.